ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। एनआईटी पटना में 19 साल की इंजीनियरिंग की छात्रा ने खुद की जान ले ली और ये मामला सामने आया। आंध्र प्रदेश की रहने वाली छात्रा पल्लवी रेड्डी का शव उनके हॉस्टल से मिला है और जिसके बाद से बवाल छिड़ा हुआ है। शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे पुलिस को छात्रा की शव बरामद हुई है और इस दुखद घटना के बाद से देर रात छात्रों ने एनआईटी कैंपस में जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने एनआईटी के डायरेक्टर के आवास के पास नारेबाजी की। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हंगामे को शांत किया। बताया जा रहा है कि छात्रा के रूम में एक नोट भी बरामद किया गया है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली पल्लवी रेड्डी ने पिछले साल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनआईटी पटना में बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन लिया था। शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे पुलिस को छात्रा की जान लेने की खबर मिली है और सिटी सुपरिटेंडेंट पश्चिम शरद आर एस ने बताया कि पुलिस को शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे सूचना मिली कि एनआईटी पटना की सेकेंड ईयर की छात्रा ने अपने हॉस्टल के कमरे में ही अपनी जान ले ली है और पुलिस और 112 डायल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और छात्रों को पहले बेहटा ESIC हॉस्पिटल लाया गया और जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच दल द्वारा घटनास्थल की गहन जांच की गई है। सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है और रूम से एक नोट भी बरामद किया गया है और पुलिस ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। दिनांक 20 सितंबर को करीब 10:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बिहटा में NIT कैंपस हॉस्टल में एक विद्यार्थी द्वारा सुइसाइड किया गया है। विद्यार्थी का जो बॉडी है उसको ESIC हॉस्पिटल बिहटा में लेकर गया है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और हॉस्पिटल में भी जाके आगे की अनुसंधान और अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है। जो रूम में जो लाश मिला था उसको प्रोटेक्ट किया गया है और FSL टीम को भी बुला लिया गया है और जो मृतक है वो विद्यार्थिनी है जो आंध्र प्रदेश का रहने वाली है उसका परिजन को भी सूचना दिया गया है और पुलिस आगे की अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है। वही पटना के SSP राजीव मिश्रा ने बताया कि छात्रा ने एक नोट लिखा था और वो मानसिक तनाव से गुजर रही थी। उन्होंने अपने माता पिता और भाई बहन पुराने स्कूल और संस्थान के शिक्षकों का भी जिक्र किया था इस नोट में। उन्हें धन्यवाद दिया है। पुलिस मामले की हर पहलू से जाँच कर रही है और गहन जाँच के बाद ही मामले की असली वजह सामने आ पाएगी। साथ ही छात्रा के साथ रहने वाली अन्य दो लड़कियों से भी बातचीत की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। इधर छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सूचना मिलते ही सुरक्षा कर्मियों ने कमरे में ताला लगा दिया। एक स्टूडेंट ने कहा कि किसी ने उसकी नब्ज तक नहीं देखी, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया, हमें कमरे में जाने से रोक दिया गया। इस घटना से पीर बहोर थाना क्षेत्र के बिहटा और अशोक राजपथ स्थित NIT पटना परिसर के छात्रों में हड़कंप मच गया है। संस्थान में 7 साल से ये दूसरी घटना है और बिहटा स्थित नए परिसर में पहली बार ये घटना घटी है जहां पर पिछले महीने ही छात्रों को शिफ्ट किया गया था। बहरहाल फिलहाल अभी NIT में बवाल वाली स्थिति देखने को मिल रही है लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।